खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खंडवा मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अमलपुरा के ग्रामीणों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को रोजमर्रा के कार्यों को छोड़कर पानी के लिए भटकते हुए आसानी से देखा जा सकता है, जिसका मुख्य कारण पंचायत के सरपंच एवं सचिव का इस ओर ध्यान नहीं देना है। जबकि ग्रामीणों द्वारा पंचायत स्तर पर कई बार शिकायत कर समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों के सिर पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है। वहीं इसका सबसे बड़ा नुकसान स्कूली छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि परीक्षा के समय वह अपनी पढ़ाई छोड़कर दूर दूर से पानी लाने में अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन धारण कर चैन की बंसी बजाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में नलकूप या नलजल योजना सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। पंचायत में पानी को लेकर सभी सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी पंचायत की कारगुजारी, या यह कहना गलत नहीं होगा कि लापरवाही के कारण जल स्रोतों का ठीक से रखरखाव नहीं करने के कारण पूरा खामियाजा ग्राम की भोली भाली जनता और मासूम छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना रोचक होगा कि खबर समय जगत की पहल के बाद क्या अमलपुरा पंचायत के सरपंच सचिव की कुंभकर्णी नींद खुलती है या नहीं। पानी की समस्या, हमारे नल में नल कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन 3-4 महीने से पानी नहीं आता है जी। हमको पानी की प्रॉब्लम होती है, हेडपम्प पे जाना पड़ता है, लेकिन नल जल योजना चलती पानी नहीं मिलता है। कराएगा ना, पंचायत वालों को बोला कि नल में पानी नहीं आता, लेकिन वो व्यक्ति भी ध्यान नहीं देते हैं। मतलब शिकायत का निराकरण नहीं किया जा रहा है? नहीं, पंचायत ने बहुत सी बार बोला है कि हमारे नल में पानी नहीं आता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं मतलब देते कोई व्यक्ति। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।